आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा अप्सरा और यक्षिणी आदि की जो साधनाएं आप लोग करते हैं, तो उसमें आप जो यंत्र व्यवहार करते हैं वो आप कहीं से मंगवाते होंगे, किसी यूट्यूबर से मंगवाते हैं, खुद से बनवाते हैं, अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मंगवाते हैं जो ट्रस्टेबल हो, तो वो व्यक्ति लोग क्या करते हैं कि आपसे हजारों रुपये लाखों रुपये लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब साधक इन चीज़ों को लेता है तो कुछ साधक के पास इतना धन नहीं होता कि वो दे के मंगवा सकें या फिर खरीद के खुद से बनवा भी सकें। तो उन साधकों के लिए मैं आज बिना यंत्र के अप्सरा यक्षिणी साधना किस तरह से किया जाता है उसका विधि विधान आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। हालांकि इसमें भी यंत्र है, लेकिन ये यंत्र आप आसानी से अपने घर में बैठ के 2 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। इतना आसान विधि है, आज आपको बताऊंगा और पूरा आज लोगों को रहस्य समझाने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा कि आज जो वीडियो है, अभी का जो वीडियो है, आप लोगों के फायदा का ही वीडियो है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके साधना आदि के ऊपर क्या आगे आप आगे बढ़ेंगे, किस तरह से बिना यंत्र के अवसर एक्सीडेंट सिद्धि करेंगे वो बताऊंगा। इसे बहुत लोगों को फायदा भी होगा, क्योंकि बहुत लोगों के पास पैसा नहीं है लेकिन साधना करना चाहते हैं, वो लोग आराम से इस वीडियो के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो अगर साधना करते हैं तो सिद्धि अवश्य होगी ही। तो ये केवल अकेला वीडियो नहीं है जिसमें मैं बिना यंत्र के अवसर एक्सीडेंट साधना का बता रहा हूं। ये जो आगे भी इसका मैं सीरीज आदि भी लाऊंगा, जहां पे बिना माला के अवसर एक्सीडेंट सिद्धि, बिना किसी सामग्री के अप्सरा यक्षिणी आदि की विभिन्न प्रकार की सिद्धियों का गोपनीय रहस्य मैं आप लोगों को वीडियो में उजागर करूंगा। तो आज का वीडियो पहला उसका पार्ट है, पार्ट बोल सकते हैं क्योंकि मैं ये डायरेक्ट सीरीज वाइज नहीं डालूंगा, बीच बीच में अलग अलग टॉपिक करके भी मैं डालूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहली चीज जानिए कि मंत्र विज्ञान क्या होता है या फिर यंत्र का विज्ञान क्या होता है, यंत्र किस तरह से काम करता है। मान लेते हैं आप एक अप्सरा साधना कर रहे हैं, अपने सामने आपने उस अप्सरा का यंत्र रखा, मान लेते हैं उर्वशी साधना करें, उर्वशी का यंत्र आपने अपने सामने रखा और अपने सामने आपने उर्वशी का यंत्र रख लिया और मंत्र जाप कर रहे हैं। तो जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं वो यंत्र पे वो मंत्र की ध्वनियां प्रकंपित होती हैं और प्रकंपित होने के बाद वो महाशून्य में गति करती हैं, और जब वो महाशून्य में गति करती हैं तो विविध लोक लोकांतर देके वो ध्वनियां चलती हैं। तो लोक लोकांतर जब देखे जाते हैं तब उसमें आपका अप्सरा लोक भी आता होगा, स्वर्ग लोक और देवलोक भी आता होगा। तो उस लोक में जब वो चलती हैं वो ध्वनियां महाशून्य में, तो वो लोक लोकांतर देके गमन करेंगी। तो गमन करते वक्त मान लेते हैं वो ध्वनियां अप्सरा मंत्र की होने के कारण वो उस लोक में जाके टकराएंगी जो लोक उस मंत्र से रिलेट होगा, फिर उस मंत्र के ध्वनि से रिलेट होगा। तो वो मंत्र सीधा सीधा जाके अप्सरा लोक में जाके टकराई, और अप्सरा लोक में जैसे ही वो टकराएंगी उधर की कनेक्शन, अप्सरा लोक का कनेक्शन और आपके मंत्र का कनेक्शन, यंत्र के कनेक्शन उस लोक से जुड़ जाएगा। और जब वो उस लोक से जुड़ जाएगा तत्क्षणात उसी क्षण जो जिस देवी अप्सरा का फिर जिस अप्सरा का मंत्र जाप कर रहा है उस अप्सरा की शक्तियां उस मार्ग से, जो मार्ग खुल जाएगा अप्सरा लोक मार्ग और आपके यंत्र को और आपको मंत्र को मिला के जो मार्ग खुलेगा उस मार्ग में वो अप्सरा शक्ति गमन करेगी या फिर आएगी, और जब वो आएगी तब जाके आपको अप्सरा की सिद्धि और विविध प्रकार की जो अनुभूतियां आदि होती हैं। ये होता है यंत्र मंत्र का विज्ञान, इसीलिए ही साधना में यंत्र का इतना महत्व होता है। लेकिन अभी के टाइम में हो गया है बिजनेस का समय चल रहा है, अप्सरा यक्षिणी के विविध यंत्र जो है वो हजारों लाखों रुपए में दिए जा रहे हैं। हम इधर किसी को पर्सनली नहीं बोल रहे बट दिए जा रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं मार्केट में। तो इस स्थिति में बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जो आर्थिक समस्या से तंग में होते हैं, वो लोग अप्सरा यक्षिणी की सिद्धि नहीं करना चाहते हैं बट उनके पास यंत्र आदि अवेलेबल हो नहीं पाते, तो वो लोग क्या करेंगे। तो वो लोगों के लिए मैं आज अभी जो बताऊंगा वो यंत्र वो लोग एक थाली के ऊपर अष्टगंध के माध्यम से वो यंत्र बनाएंगे। ये जो चीज का ज्ञान है, ये ज्ञान मेरे को हमारे गुरु परंपरा के एक ऐसे गुरु ने दिया जो देहधारी नहीं है, मतलब जान लीजिए वो एक दिव्य गुरु है, और दिव्य गुरु ने मेरे को ध्यान पटल में इसका ज्ञान दिया। और साथ ही साथ रंभा देवी का जो मैंने साधना किया था, रंभा अप्सरा देवी का जो मैंने साधना किया था, उनसे भी स्वप्न के माध्यम से ये ज्ञान मेरे को प्राप्त हुआ था। तो ये चीज, दो चीजें हैं, दोनों की चीजों को मिला के आज मैं आप लोगों को वो चीज दूंगा। तो वो आपको क्या करना है, पहले आपको एक थाली लेनी है, और थाली लेने के बाद उस थाली के ऊपर अष्टगंध चंदन आता है, मार्केट में पीला चंदन आता है जिसको अष्टगंध चंदन बोलते हैं, अष्टगंध चंदन ले आइए। अष्टगंध चंदन में थोड़ा सा अगुर मिलाइए, थोड़ा सा केसर मिलाना चाहिए केसर मिलाइए, और थोड़ा सा स्लाइडली हल्दी मिला के उसको
आप रेडी कर लीजिए, एक स्याही बना लीजिए, अच्छे तरीके से एक स्याही बना लीजिए, और एक थाली के ऊपर आपके स्क्रीन के सामने मैं अभी एक यंत्र दे रहा हूँ, वो यंत्र को आपको अपनी थाली के ऊपर बना लेना है, थोड़ा बड़े साइज में बनाइएगा, ओके। वो यंत्र को आपको बना लेना है, बनाने के बाद जिस तरह से बीज जहां जहां पे लिखे हैं उन बीजों को वहां वहां पे लिख के रखिएगा, ओके, वो चीज ध्यान दीजिएगा। और इसका और एक फॉर्मेट बता देता हूँ। मान लेते हैं आप एक उर्वशी साधना कर रहे हैं, उर्वशी साधना में एक मंत्र है, वो है ओम श्रीम उर्वशी आगच्छागच्छ स्वाहा। तो ये मंत्र जो है उसमें क्या है, श्रीम बीज लगा है, तो वो जो आपके पटल दिख रहे होंगे या जो पेटल्स दिख रहे होंगे, वो जो पद्म दिख रहा है, अष्टदल पद्म का जो ये चक्र है, उस अष्टदल पद्म में जो बीज में माया बीज भी लिखा है और चारों तरफ जो बीज लिखे हैं, उन बीजों की जगह अप्सरा मंत्र में जो बीज लिखा है, मान लेते हैं अप्सरा जो मंत्र में पहले आपको श्रीम लगा है, महाबीजों का आपको इसमें गणना करना आना चाहिए, कौन कौन से बीज लगेंगे तब जाके आप उस बीजों को चेंज कर सकते हैं, जान लीजिए। मान लेते हैं उस अप्सरा मंत्र में श्रीम बीज लगा है, अप्सरा के मंत्र के शुरुआत में अगर श्रीम बीज लगा है तो उन 8 पेटल्स के चक्र में श्रीम बीज लगेगा, और उसके बीच में भी श्रीम बीज को ही आपको लिखना है। अगर वहीं पे अगर रिंग लगा है तो रिंग लगा के ही वो पूरा चक्र बनेगा, और उस पेटल के बीच में रिंग बीज ही लगाया जाएगा, और बीच में भी रिंग बीज भी लगाया जाएगा, ये नियम है। अब ये कर लिया, अब इतना कर लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि आप उस यंत्र को आप अपने सामने रख लीजिए, ध्यान दीजिए, आयदर अप्सरा मंत्र में श्रीम बीज लगा हो, अगर श्रीम बीज लगा हो तो केवल उन पेटलों में श्रीम बीज लगा के ही आप जाप करिएगा, अगर श्रीम बीज नहीं लगा हो तो आप अगर कोई दूसरा और बीज लगा हो तो केवल ही केवल रिंग बीज ही लिख दीजिए, और रिंग बीज को लगा के ही आप उस यंत्र को बना के उसके ऊपर पूजा आदि कीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, आइदर श्रीम लगा हो तो श्रीम उन चारों पे लगाना है, या फिर रिंग लगा हो तो रिंग पे ही करना है, अगर श्रीम और रिम को छोड़कर कोई दूसरा बीज लगा हो तो केवल ही केवल उस यंत्र को रिंग बीज मंत्र लिखे हुए यंत्र को ही पूजा पे यूज करना है, ये आप आइडिया लगा लें। अगर आपका आइडिया नहीं हुआ, आपका जो डिस्क्रिप्शन में और मेरा जो क्या बोलते हैं पिन कमेंट में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उधर ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप के में ज्वाइन होकर मेरे को पर्सनल मैसेज कीजिएगा, इसके बारे में मैं आपको अगर कुछ क्वेश्चन होगा डिटेल में समझा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बहुत जल्दी नहीं खुलता है, तो QR कोड मैं आपके स्क्रीन के सामने भी दे दूंगा, आपके जो वीडियो पे मेरा टेलीग्राम का QR कोड भी आएगा, और वीडियो के एंड में बताऊंगा कि वो QR कोड को किस तरह से स्कैन करके आप मेरे से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। अभी फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। तो वो यंत्र बना लीजिए, यंत्र बना लेने के बाद आपको उस यंत्र के ऊपर आपको एक छोटा सा पीला चावल का छोटा सा ढेरी लगाना है, पर थोड़ा सा पीला चावल उसके ऊपर डालना है, और उसके ऊपर घी का दीपक जला लेना है, और घी का दीपक जलाने के बाद आपको जो मूल मंत्र है, जो अप्सरा का मूल मंत्र है, जिस मंत्र का आप जाप करेंगे, उस मूल मंत्र से उस घी के दीपक को जलाना है, और उस घी का दीपक को ही अप्सरा का प्रतीकात्मक रूप मानते हुए, या फिर वो जो यंत्र को और यंत्र के ऊपर रखा हुआ दीपक को ही अप्सरा का प्रतीकात्मक रूप मानते हुए उसकी पूजा करनी है, और पूजा करने के बाद आपको जो जाप करना है माला से, ओके, इतना कीजिएगा, और बाकी जो अप्सरा साधना के जो सारे नियम आदि हैं वो सब कुछ वही रहेंगे जो नॉर्मली रहते हैं। तो इतना करने के बाद जब आप कीजिएगा तो देखिएगा, नॉर्मल यंत्र के मुकाबले इस यंत्र के ऊपर जब आप अप्सरा का पूजा कीजिएगा तो वो अप्सरा की सिद्धि आपको सबसे ज्यादा होगी, या फिर अप्सरा की जो सिद्धि है वो बहुत जल्दी आपको होगी, क्योंकि ये जो विशिष्ट यंत्र है, ये यंत्र की ध्वनियां एक अलग प्रकार की हैं। एक तो जो रिंग बीज लगा हुआ यंत्र है, जो रिंग बीज लगा हुआ यंत्र है, स्पेशली रिंग बीज अगर ना लगाएं तो बेहतर है, केवल ही केवल रिंग सभी अप्सराओं में आप रिंग बीज लगा हुआ जो यंत्र मैंने आपके स्क्रीन के सामने दिया है और अभी भी दे रहा हूँ, वो यंत्र का ही प्रयोग कीजिएगा। कोई भी अप्सरा हो उसकी पूजा में ये रिंग बीज लगा हुआ यंत्र को आप थाली के ऊपर बनाना है। थाली के ऊपर बनाने के बाद उसके ऊपर आपको क्या करना है कि उसके ऊपर आपको थोड़ा सा पीला चावल डालना है, और उसके ऊपर एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, और घी का दीपक जब आप प्रज्वलित कीजिएगा तो उस अप्सरा के नाम का प्रज्वलित कीजिएगा। इतना करने के बाद विधि पूर्वक जो आपका अप्सरा का पूजा करना है, पूजा करिए उस दीपक के ऊपर, और जो अप्सरा का मंत्र जाप करिएगा।
ये गुप्त विधान आज मैंने आप लोगों को बताया। जो लोग अप्सरा साधना आदि कर रहे हैं इस विधान को प्रयोग करिए, और प्रयोग करने के बाद आप देखिएगा कि 101% आपको अपनी अप्सरा साधना में 101% रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग अप्सरा साधना कर रहे हैं और जिनके पास अप्सरा यंत्र है, तो आप लोगों को क्या करना है कि जो अप्सरा यंत्र है ये यंत्र बना लीजिएगा, और यंत्र के बीच में जहाँ पे मूल बीज लिखा है, यंत्र एक गोल है, गोल के चारों तरफ 8 पेटल्स पद्म है, यानी कि अष्टदल पद्म है, और उसके बीच में भी मंत्र लिखा है रिंग बोल के, तो उस रिंग की जगह आपको वो अप्सरा यंत्र को रख देना है, और उस अप्सरा यंत्र को रखने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा पीला चावल दे दीजिए, और ठीक उस प्लेट के साइड में घी का दीपक जला लीजिए, और उसके ऊपर जब अब उस यंत्र के ऊपर आप अप्सरा का पूजा कीजिएगा। तो इतना करने के बाद भी, ये भी एक मैंने गुप्त विधि आपको बता दिया है, ये दो विधि का जो व्यक्ति ट्राई करेगा, तो जो 5 बार में अगर अप्सरा सिद्धि उसको होना होगा, तो उस व्यक्ति को पहली बार या फिर दूसरी तीसरी बार में ही अप्सरा की सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि ये यंत्र इतना पावरफुल है। इस यंत्र का नाम मैं इधर नहीं ले रहा हूँ, इस यंत्र को क्या कहते हैं, जगदम्बा की कृपा से देवी रंभा जी के द्वारा और मेरे गुरुमंडल की एक शक्तियों के द्वारा इस यंत्र का ज्ञान मेरे को प्राप्त हुआ है, जो मैंने आज की वीडियो आप लोगों को दिया है। तो यही बताने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। आप सभी लोग देख के अवश्य ये यंत्र का अपने जीवन में साधना वसना प्रयोग करें। अप्सरा यंत्र पे यही होगा, यक्षिणी में भी यही होगा कि यक्षिणी में भी आप इस यंत्र का निर्माण करिए, और इस यंत्र के ऊपर जिस तरह से मैंने दीपक रख के बताया कि यक्षिणी को अप्सरा को चिंता करिए, अप्सरा की जगह यक्षिणी को चिंता करिए, और यक्षिणी का पूजा करिए, और फिर यक्षिणी मंत्र का जाप करिए, यही होगा। अप्सरा में भी यही होगा, यक्षिणी में भी यही होगा। इतना करिए, इतना करने के बाद देखिएगा कि आपको 101% आपके जीवन में रिजल्ट आता ही आता है। अप्सरा यक्षिणी की साधना में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है, सिद्धि भी बहुत जल्दी मिलती है ये यंत्र का प्रयोग करने से। तो यही था आज का टॉपिक, मैंने आप लोगों को बता दिया। जिन लोगों को डाउट क्लियर नहीं हुआ, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, और लिंक में से जाके आप मेरे से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर नहीं हो पाए तो आपके स्क्रीन के आगे अभी मेरा ग्रुप का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका QR कोड दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में गूगल लेंस नाम का एक ऐप जो मैं प्ले स्टोर पे होता है गूगल लेंस बोल के, वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके स्क्रीन पे भी मैं दिखा दूंगा कि डाउनलोड करने के बाद वो कैसा दिखता है, कौन सा ऐप है। डाउनलोड कर लेने के बाद और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट उठा लीजिएगा, वो QR कोड का स्क्रीनशॉट उठा लीजिएगा, और अब उस गूगल लेंस के ऐप में जाना है। उस QR कोड को साइड में ऑप्शन होगा देखिए गैलरी का, गैलरी पे जाके उस QR कोड को उठाइए। QR कोड को उठाने के बाद उसमें अपलोड कीजिए, फिर आपको एक लिंक दिखेगा, और लिंक के ऊपर जब आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में रिडायरेक्ट होंगे, और जब टेलीग्राम ग्रुप में आप रिडायरेक्ट होगा तो आपको साइड में ज्वाइन का ऑप्शन दिख जाएगा, ज्वाइन कीजिए। उधर से जाके फिर मुझको आराम से पर्सनल मैसेज करके मेरे से बातचीत कर सकते हैं, कोई भी साधना से रिगार्डिंग हो, अप्सरा साधना से रिगार्डिंग हो, और विभिन्न प्रकार के साधना से रिगार्डिंग हो। हमारे द्वारा भी साधकों को अप्सरा यक्षिणी आदि की भी साधना करवाए जाते हैं, जिन लोगों को करना है अब भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है यंत्र का प्रयोग विधा और किस तरह साधना में इसका यूज करना है। साधकगण इसका सही तरीके से प्रयोग करें, और जगदम्बा की कृपा से आप लोग को अपने जीवन में साधना में अवश्य आपको सफलता मिले, यही हमारा जगदम्बा से प्रार्थना है। तो यही था कुछ आज का वीडियो, सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय मां काली, मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो।